नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसंतनगर महानगर पालिका परिवहन सेवा की बस और एक ट्रैक्टर में टक्कर होने की घटना सामने आई है। यह घटना आई है मोरेगांव से, जहां QMQ होटल के सामने स्टेशन से आ रही बस और विपरीत दिशा में जा रहा ट्रैक्टर आपस में भिड़ गए। विजुअल में तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से बस और ट्रैक्टर एक दूसरे से भिड़े हैं। इस घटना में एक महिला के जख्मी होने की जानकारी भी सूत्रों से सामने आई है। फिलहाल इस एक्सीडेंट में किसकी गलती है, क्या है, इसकी कोई अपडेट कोई सामने नहीं आई। लेकिन इतना जरूर है कि हर रोज सुबह काम पर जाने वाले लोग काफी संख्या में बस में सवार रहते हैं और बसें खचाखच भरी रहती है। तो ऐसे में इस तरह के हादसे सामने आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों में भय जरूर पैदा होगा। और आजकल हर आए दिन वसंतनगर महानगर पालिका की बसों के खराब होने की भी खबरें सामने आती रही है। रोड पर अक्सर कई बार वसंतनगर महानगर पालिका परिवहन सेवा की बस खराब हो जाती है बीच रोड में, और फिर पैसेंजर को दूसरी गाड़ी से भेजा जाता है। ऐसी भी घटनाएं भी हाल के दिनों में सामने आ रही है। जैसा कि मैंने अभी कहा, इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है फिलहाल इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सीडेंट की घटना हुई वो आप वीडियो में देख रहे हैं। इस घटना के बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठे हुए और उन्होंने बस में सवार लोगों को रेस्क्यू किया और जो महिला जख्मी हुई थी उसे अस्पताल पहुंचाया। तो यह बड़ी खबर, बड़ी घटना सामने आई है वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र से, जहां महानगर पालिका द्वारा संचालित परिवहन सेवा की बस और एक ट्रैक्टर में टक्कर हुई है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। तुमचा नाम काय सर? माझं नाव चंद्रशेखर भंडारे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा स्थानिक शाखा अध्यक्ष आहे। या ठिकाणी मी नुकतंच बघितलं की इथे एक अपघात झाल्याचं कळतं आहे, आणि या अपघातामध्ये पूर्णपणे दिसून येतं की ह्याच्यामध्ये महानगरपालिकेच्या जे काही बस परिवहन सेवेची बस आहे त्या बसचं या ठिकाणी आणि ट्रॅक्टरचं अपघात झालेला आहे, आणि ह्याच्यामध्ये पूर्णपणे चूक या जो कोण ड्रायव्हर होता परिवहन बसेसचा त्याची महानगरपालिकेचा दिसून येते। आणि या ठिकाणी या बसेसचे ड्रायव्हर जे असतात तर कुठले त्यांची लिमिटची स्पीड नसते, वेगाने बस चालवतात आणि त्याच्यामुळे त्यांचा तोल जातो आणि अपघात होण्याचं कारण ठरतं। तर जखमी कोण झाली होती? लेडीज याच्यामध्ये एक महिला थोडस जखमी झालेली आहे आणि बाकी सगळे सुरक्षित आहे। सुरक्षित आहे। मेरा नाम पंकज गुप्ता है। अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हो दुर्घट घटना, जो महानगर पालिका की जो बसेस है आए थे, मेरे को लगता है दुर्घटना होती जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जरा आप वीडियो वहाँ पे देख सकते हो कि दुर्घटना ऐसी है कि यहाँ पे जो ट्रैक्टर वाला चालक था वो बच चुका है। और मेरे को लगता है कि महानगर पालिका के जो बसेस जो ड्राइवर है उनको बरोबर गाड़ी चलाने आता है कि नहीं चलाने आता, इससे आपको दिख रहा है कि इनका पूरी लापरवाही है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर ये ट्रैक्टर और यहाँ पे जो टेम्पो नहीं रहती थी तो ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। और मेरे को ऐसी खबर आई है, ये सुबह करीबन 9 के करीब में दुर्घटना हुआ है और उसमें एक लेडी थी वो जख्मी हो चुकी है, अभी उसको अस्पताल पहुँचाया गया है। और बाकी किसी को कुछ लगा नहीं ना? बाकी किसको नहीं है, ड्राइवर को कुछ हुआ है? ड्राइवर को नहीं, ड्राइवर को बच गया है, जहाँ तक खबर मिली है ड्राइवर बच गया। दोनों ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ है? दोनों ड्राइवर को नहीं हुआ है, दोनों ड्राइवर तो सेफ है। लेकिन मेरे को लगता है अगर ये लापरवाही आगे भी रहेगी तो और से बहुत सारी दुर्घटना। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर